आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी का वो मनहूस हेलीकॉप्टर, उसका अभी भी कोई पता नहीं चल रहा है। पिछले 11 घंटे से लापता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के लापता चॉपर की तलाश के लिए घातक कमांडोज को रवाना किया गया है, जबकि सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां करनूल के जंगल में घुस चुकी हैं। रात होने की वजह से 3 हेलीकॉप्टर्स वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि रात में भी तलाशी अभियान जारी रहेगा। सुबह 9:12, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के चॉपर बेल 430 ने एटीसी के सिग्नल पर प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी, उस वक्त हेलीकॉप्टर करनूल में था और प्रशासन को पता था कि एटीसी से संपर्क टूटने के बाद बेल 430 और उस पर सवार मुख्यमंत्री कहां गए। इसका जवाब पाने के लिए एक ही चारा है, चॉपर की खोजबीन, जिसके लिए हेलीकॉप्टरों के अलावा सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई। आफ्टर 9:35 वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ट्विनिंजर हेलीकॉप्टर। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वी हैव बीन ऑन द जॉब। वी हैव अलर्टेड द डिफेंस मिनिस्ट्री इन दिल्ली। वी हैव अलर्टेड द होम मिनिस्ट्री इन दिल्ली। वी आर इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिसेस सोनिया गांधीज ऑफिस इज ऑल्सो इन टच विद द। तो तमाम तरह की कवायद की जा रही है जल्द से जल्द उस लापता हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए, लेकिन मौसम खराब है, जंगल बहुत घना है, ये सर्च ऑपरेशन आसान नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि ये सर्च ऑपरेशन, जिसमें एयरफोर्स सीआरपीएफ के तमाम तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनाए।